थोड़ा पढ़ लेते क्योंकि उसमें थोड़ा उसमें से थोड़ा पार्ट हमारा रह गया था। सो हमने कहा था जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक जगह आकर क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हमने क्या कहा था, क्या कहा था, सेंट्रोमियर कहा था। नहीं जो हमारे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक जगह आकर क्या हो जाते, कनेक्ट हो जाते हैं, उस जगह को हमने क्या क्या कहा था, क्रोमो क्रोमेट सेंट्रोमियर कहा था। उसी सेंट्रोमियर को हमने क्या कहा था, प्राइमरी। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऐसे कहा था। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पर एक डिस्क लाइक शेप होता है, ऐसे भी हमने कहा था। उस डिस्क लाइक शेप को हमने क्या कहा था, क्या कहा था, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या कहा था, काइनेटोकोर। अब एक काइनेटोकोर क्या करता है, जब सेल का डिवाइडेशन होता है, क्या होता है, जब सेल का डिवाइडेशन होता है तो ये क्या करता है, काइनेटोकोर, जो हमारे जो सेल्स होते हैं, अगर बात की जाए, हमने एक डायग्राम निकाली थी, जब सेल का डिवाइडेशन होता है तो ऐसे ऐसे क्या बनते हैं, हमारे स्पिंडल फाइबर्स, क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सो ये काइनेटोकोर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से किसको अटैच करने का काम करता है, क्रोमोसोम को अटैच करने का क्या करता है, काम करता है। कौन करता है, तो कौन करता है, काइनेटोकोर करता है। कौन करता है, वो कौन करता है, सो कौन करता है, काइनेटोकोर करता है। इतना हमने पढ़ लिया था, इतना आपको समझ में आ गया था क्या? हाँ सर। लेट्स, हमारा ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ समटाइम्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सम क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, टू से बहुत ज्यादा, टू आर मोर, टू आर मोर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहते हैं, टू आर मोर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते, क्या प्रेजेंट होते हैं, टू आर मोर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे, देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसे कहेंगे, ऐसे कुछ कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, टू से ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोलस, किसका, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, देखो हमने सेल निकाला, हमने क्या निकाला है, सेल निकाला, सेल में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक हमको पार्ट दिखाई देता है, छोटा सा एक हमको पार्ट दिखाई देता है जो डॉटेड लाइक होता है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोलस। देखो हमने क्या बोला, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन किसे कहेंगे, जो कैसे कुछ ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, टू आर मोर सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोला। ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, उसके अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसको जो कौन फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोलस का सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, इस न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस से इस न्यूक्लियस से
एक बॉडी अटैच होती है, एक बॉडी अटैच होती है, उसका नाम है, उसको हम बोलेंगे सेट बॉडी। क्या बोलेंगे? सेट बॉडी। देखो क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियस पता चल गया हमको क्या है। इस न्यूक्लियस से क्या होता है, एक बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलेंगे सेट बॉडी। सेट बॉडी इज नथिंग बट दी, हम उसको कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं उसको? सैटेलाइट कहते हैं। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, किसका फॉर्मेशन हुआ? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस किस कहा अटैच होता है? तो होता है सैट बॉडी से। सैट बॉडी मीन्स क्या होती है? सैटेलाइट। क्या होती है? सैटेलाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? सैट बॉडीज बोलती है। जो किससे अटैच होती है, जो किससे अटैच होती है? न्यूक्लियस किसका फॉर्मेशन करता है? सैट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये सैट बॉडी किससे अटैच होती है? तो होती है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से हमने जो कल वाला ऐसा ऐसा कुछ क्रोमोसोम निकाला था, देखो थोड़ा देखते हैं, ऐसा वाला जो देखा था, देखो इसको हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ऐसे और भी ऐसे कंस्ट्रक्शन आते हैं उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हमने बोला था सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ऐसे देखो क्रोमोसोम एक है लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे टू से ज्यादा क्या है हमारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, इसलिए उसको कहा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके नीचे क्या होता है, एक न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्ली क्या होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके नीचे क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, उसके नीचे जो होता है उसको हम बोलेंगे सैट बॉडी या सैटेलाइट बॉडी। क्या बोलेंगे? सैट बॉडी या सैटेलाइट। क्या बोलेंगे उसको? सैट बॉडी बोलेंगे। अब बताओ इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो, फिर इसके बाद है हमारे टाइप से, क्रोमोसोम के टाइप से उसको लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे क्या है, टाइप्स है क्रोमोसोम के। सो देखते हैं कैसे टाइप्स है। तो देखो फर्स्ट हमारा टाइप है, मैं निकालने की कोशिश करता हूं, देखो ये जो आउटर वाले जो हमको टू फ्लाइंग विंग्स पर विंग्स की तरह दिख रहे हैं, ये जो रीजन दिख रहे हैं, दो ये जो दो रीजन दिख रहे हैं, वो दो रीजन को अटैच करने वाला एक कौन होता है? सेंट्रोमियर, या इसको बोलेंगे क्रोमैटिड्स। ये क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स बोलेंगे। उसको कौन कनेक्ट करता है? सेंट्रोमियर। कौन अटैच करता है? सेंट्रोमियर। देखो जब सेंट्रोमियर दोनों ही क्रोमेटिड्स के बीच में अटैच होता है, जॉइन जिसको बीच में जॉइन करता है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। देखो क्या हुआ, जो हमारे रीजन्स थे या उसको हमने क्रोमेटिड्स बोले थे, क्या बोले थे? क्रोमेटिड्स बोले थे। जो क्रोमेटिड्स कैसे ज्वाइन हो गए? बीच में, सेंट्रोमियर के बीच में ज्वाइन हो गए। ये दो क्रोमेटिड को सेंट्रोमियर कहाँ ज्वाइन करेगा? बीच में ज्वाइन करेगा, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। एंड की मेटा मीन्स क्या होता है? मिडल। मेटासेंट्रिक मीन्स क्या होता है? मिडल। ऐसे जो क्रोमेटिड्स है वो किस में ज्वाइन हो गए? मिडल में ज्वाइन हो गए, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको? मेटासेंट्रिक। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है उसको क्या बोलेंगे? देखो देखो जो हमारा सेंट्रोमियर था थोड़ा शिफ्ट हो गया एंड की तरफ, एक क्रोमेटिड के एंड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया,
उसको हम क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। देख थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, देखो जो हमारा सेंट्रोमियर था थोड़ा एक रीजन में थोड़ा शिफ्ट हो गया, एक रीजन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। जो हमारे क्रोमेटिड थे, हमको पता है हमारे टू क्रोमेटिड्स होते हैं, जो हमारा मेटासेंट्रिक था, वो क्रोमेटिड्स से थोड़े क्या हो गया, वो सेंट्रोमियर क्या हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया, एक क्या बोलते उसको, एक क्रोमेटिड की तरफ क्या हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो गया, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड है हमारा देख, अब क्या हुआ, उससे भी ज्यादा क्या हुआ, हमारा सेंट्रोमियर था वो अब एंड की तरफ, एक क्रोमेटिड की तरफ क्या हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, और ज्यादा वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे टाइप्स को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। एंड हमारा जो फोर्थ है, फोर्थ टाइप है क्रोमोसोम का, जिससे क्या होगा, ओनली वन क्रोमेटिड दिखेगा आपको। क्या होगा, ओनली वन क्रोमेटिड दिखेगा, उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको, टीलोसेंट्रिक। देखो क्या हुआ, हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना स्टार्ट किया, हमको मालूम है कि टू क्या होते हैं, हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं, जो टू क्रोमेटिड्स पहले वाले इसमें देखने की, मेटासेंट्रिक में देखने की बात की जाए तो क्या होता है, जो हमारे क्रोमेटिड्स थे, एक जगह आकर जो बीच में जो हमारा सेंट्रोमियर होता है उससे जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। जो मिडल में होता है उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। उसके बाद जो हमारा सेंट्रोमियर था थोड़ा शिफ्ट हो गया एक रीजन की तरफ, या एक सेंट्रोमियर की तरफ, सॉरी क्रोमेटिड्स की तरफ, किसकी तरफ, क्रोमेटिड्स की तरफ, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको, सब मेटासेंट्रिक। और थर्ड में क्या हुआ, उससे भी ज्यादा एंड की तरफ, एक रीजन की तरफ क्या शिफ्ट हुआ, हमारा सेंट्रोमियर शिफ्ट हुआ, उससे भी ज्यादा क्या हुआ, हमारा जो सेंट्रोमियर था और ज्यादा शिफ्ट हो गया, उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट में जो हमारा सेंट्रोमियर था वो पूरी तरह एक एंड पर आ गया, उससे क्या हुआ, ओनली हमको कितना रीजन मिले, एक ही रीजन हमको दिखा, उसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। इतना समझ में आया क्या? हाँ सर, ओके। सो इसके भी फॉर्म्स होते, वो कैसे कैसे फॉर्म्स में दिखे जाते, अगर मेटासेंट्रिक की सॉरी फॉर्म्स यानी कि शेप, इसके भी कुछ कुछ शेप होते हैं, वो किस शेप में दिखे जाते हैं, एक मिनट। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि आपको स्क्रीन की तरफ नहीं दिखे। इसको हमने कहा था मेटासेंट्रिक, इसको हमने कहा था सब मेटासेंट्रिक, इसको हमने कहा था एक्रोसेंट्रिक, और इसको हमने कहा था टीलोसेंट्रिक।
इनके भी क्या होते हैं, शेप्स होते हैं. क्या होते हैं? शेप्स होते हैं. सो हम अभी इसके शेप के बारे में बात करेंगे. देखो जो हमारा मेटासेंट्रिक होता है, जो हमारा मेटासेंट्रिक होता है वो किस कौन से शेप का होता है? वी शेप का होता है. कौन से शेप का होता है? वी शेप का. देखो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ. ये होगा, ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर, हमारा एक और ये हमारा एक. देखो यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ? बी का फॉर्मेशन हुआ. देखो किसका फॉर्मेशन हुआ? बी का फॉर्मेशन हुआ. सो इस टाइप के क्रोमोसोम को बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. जो कौन से शेप का होता है? वी शेप का होता है. कौन से शेप का होता है? वी शेप का होता है. अगर मेटासेंट्रिक की बात की जाए, मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो कौन से शेप का होता है? तो होता है एल शेप का, यानी कि एल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. कौन सा शेप का दिखाई देता है? एल जैसे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्रोमोसोम का, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. क्या बोलेंगे उसको? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे. उसके बाद अगर एक्रो की बात की जाए, एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो कैसे होता है? इट इज अ जे लाइक स्ट्रक्चर. कैसा दिखाई देता है? जे लाइक स्ट्रक्चर. तो इसका शेप कैसा होगा? जे का. इट इज जे इन शेप. देखो क्या हुआ, मैंने क्यों शॉर्ट निकाला. देखो हमने जब उसका सेंट्रोमियर कैसे शिफ्ट होते जा रहा है, देखो एक रीजन क्या हुआ हमारा, बड़ा हुआ, और एक रीजन कैसे हुआ, छोटा हुआ. इसलिए मैंने भी उसको वैसे ही निकाला. एक रीजन क्या हुआ हमारा, छोटा हुआ, और एक रीजन कैसे हुआ हमारा, बड़ा हुआ. सो वो कैसे, किस शेप का दिख रहा है हमको? जे शेप का दिख रहा है. कैसे दिख रहा है वो? जे शेप का दिख रहा है. और टेलोमियर की बात की जाए तो कैसे शेप होता है, उसमें क्या होता है सिर्फ एक ही क्रोमेटिड्स या एक ही हमको रीजन देखने को मिलता है. सो एक कौन से शेप का है? आई शेप का. कौन से शेप का है? आई शेप. सो देखो मेटासेंट्रिक कौन से शेप का होता है? इट इज अ वी शेप. इट इज अ वी शेप. सब मेटासेंट्रिक किस शेप का होता है? इट इज अ एल इन शेप. इट इज एल इन शेप. एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो इट इज अ जे इन शेप. कौन से शेप का होता है? जे इन शेप. एंड अगर टेलोमियर की बात की जाए तो इट इज अ आई इन शेप. कौन से शेप का होता है वो? आई इन शेप का होता है. बताओ मुझे ये समझ में आया क्या? एंड जो क्रोमोसोम का एंड होता है, जो क्रोमोसोम का एंड होता है उसको ही क्या बोला जाता है? टेलोमियर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? टेलोमियर बोला जाता है. एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो एंड होता है, जैसे कि हमने देखा क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको हमने क्या बोला? टेलोमियर. क्या बोला? टेलोमियर. बताओ इसके टाइप समझ में आ गए? क्रोमोसोम क्या होता है वो भी समझ में आ गया? हाँ सर. चलो उसके बाद क्रोमोसोम के जैसे सेक्स क्रोमोसोम वगैरह है, सो हम उसको आज रहने देते हैं. मैंने एक बात बोली थी आपको, आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ क्या कर, उसमें एक क्या था वो मैकेनिज्म था जो एंटोमोफिल में था, उसको मैं थोड़ा उसको कवर करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, आपको भी समझ में आना चाहिए. सो करें क्या उसको स्टार्ट? हाँ सर. हाँ सर. चलो आप आशा करते हो कि आपने आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा. सो हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं. मुझे ऐसा बोला था कि वो चैप्टर आपका हो गया है, वो चैप्टर आपका हो गया है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म है तो वो मैकेनिज्म नहीं हुआ. सो हम उसको स्टार्ट करते हैं. आपने एंटोमोफिल पढ़ा जो हमारा बायोटिक एजेंट था पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. यस बोलो. हाँ सर. हाँ तो उसमें एक मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म ऑफ सालविया.
सालविया, मैकेनिज्म ऑफ सालविया, उसको हम पहले कवर कर देंगे, उसके बाद मैं कल आपको वो आगे वाले बताऊंगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपको भी समझ में आना चाहिए. सो मस्ट मैकेनिज्म है, देखो क्या होता है. आपने सालविया का प्लांट देखा है क्या पहले, वो बोलो, देखा है? नहीं, नहीं देखा है शायद. हाँ, मैंने भी नहीं देखा है. सो देखते हैं इसमें कैसे मैकेनिज्म होता है. देखो, सालविया का जो प्लांट होता है वो कौन से सीजन में उसका फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, तो किस सीजन में करता है, वो करता है विंटर सीजन में. कौन से सीजन में वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, तो कौन से सीजन में करता है, विंटर सीजन में फ्लावर को प्रोड्यूस करता है. इस प्लांट का जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू. किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू. इसलिए इस टाइप के पॉलिनेशन को हमने कहा था, हम कहते हैं एंटामोफिली. इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटामोफिली, क्योंकि एंटामोफिली मीन्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट. जहां इंसेक्ट की, ऐसे साइंस के ब्रांच में इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं एंटामोलॉजी. क्या बोलते हैं उसको, एंटामोलॉजी, जो साइंस के ब्रांच होते हैं जहां इंसेक्ट की स्टडी की जाती है. सो उसके बाद अब ये फ्लावर दिखने में कैसा होता है, थोड़ा लार्ज होता है, जस्ट लाइक अ रोज प्लांट. रोज का जो फ्लावर होता है इतने इतने शेप का, वैसे वो होता है. जो कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है. कैसे होता है, वो पिंक कलर का होता है. तो उसके बाद अब ये पिंक कलर के होंगे, तो उसमें कौन से कौन से चीजें प्रेजेंट है. उसमें क्या होता है, जो फ्लावर है वो 5 पेटल्स का होता है. उसको पेटल्स को हम बोलते हैं करोला. इतने पेटल्स का होता है, 5 पेटल्स का होता है. सो इसी फ्लावर को बाय लिफ्टेड फ्लावर कहा जाता है. आपको ये बाय लिफ्टेड का मीनिंग अब नहीं पता चलेगा, उसको हम आगे देखेंगे जब मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊं. एक फ्लावर कैसे होता है, बाय लिफ्टेड फ्लावर होता है. देखो क्या होता है, इसमें जो हमारे 5 पेटल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, देखो 5 जो पेटल्स होते हैं हमारे, 2 नंबर्स में डिवाइड होते हैं. एक होते हैं 2 नंबर और एक होते हैं 3 नंबर. जो हमारे 5 पेटल्स थे वो टू नंबर में डिवाइड हो जाते हैं. एक है 2 नंबर, एक है 3 नंबर. देखो ऐसा इसका स्ट्रक्चर था. इसमें भी क्या होते हैं, स्टिग्मा भी होते हैं, स्टिग्मा एंड क्या होते हैं, एंथर. यानी कि फीमेल भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं एंड मेल के भी पार्ट क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं. सो ऐसा ये स्ट्रक्चर था जो किस में पाया जाता है, साल्विया के फ्लावर में पाया जाता है या प्लांट में पाया जाता है. इतना समझ में आ गया क्या? हाँ सर. ओके. सो अब इसके डिटेल मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं. देखो बहुत मस्त है, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा इस मैकेनिज्म. देखो मैं थोड़ा फ्लावर निकालने की कोशिश करता हूँ. देखो ऐसे टाइप का वो फ्लावर होता है, ऐसे
टाइप का वो फ्लावर होता है। देखो क्या होता है, हमको मालूम है, हमने पढ़ा है जनरली जो एंथर होता है, अगर एंथर की बात की जाए, जनरली वो एंथर होता है। देर आर टू टाइप्स के क्या होते हैं, एंथर होते हैं। एक तो होता है डाइथिकस एंड एक होता है मोनोथिकस। आपको पता है डाइथिकस एंड मोनोथिकस, आपने पढ़ा होगा उसी चैप्टर में जब एंथर की स्टडी करते हैं। क्या होता है जनरली एंथर कैसे होता है, एक तो डाइथिकस होता है एंड मोनोथिकस होता है। सो इसमें जो एंथर होता है वो डाइथिकस ही होता है, लेकिन उसका कन्वर्शन किसमें हो जाता है, मोनोथिकस में हो जाता है। एक बात सुनो मेरी, मैंने क्या कहा, जनरली इसका एंथर डाइथिकस ही होता है, बायोथिकस या डाइथिकस जो होता है, फिर उसके बाद उसका कन्वर्शन किसमें हो जाता है, मोनोथिकस में हो जाता है। देखो कैसे मोनोथिकस में हो जाता है। देखो मैंने निकाला एक एंथर और एक निकाला। देखो हमने डाइथिकस का मीनिंग ऐसे बोलते हैं जिसे क्या होते हैं टू लोब्स प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं डाइथिकस एंथर। यहाँ पर आपको टू लोब्स दिख रहे हैं क्या, नहीं ओनली सिंगल लोब दिख रहा है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, नीचे वाले में भी एक लोब होता है। सो डाइथिकस का कन्वर्शन किसमें हो गया, मोनोथिकस में हो गया। किसमें हो गया, मोनोथिकस। सो देखो क्या होता है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंथ। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। देखो टू एंथर को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, फिलामेंट। फिलामेंट दो एंथर को काम करने कनेक्ट करने का काम कौन करती है, फिलामेंट। एंड फिलामेंट एंड एंथर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्ट। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग। सो यहाँ फिलामेंट और एंथर को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्ट। सर जनरली तो एंथर तो एक ही होता है, हमने जो प्लांट्स देखे उसमें एंथर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो टू टाइप एंथर है, टू एंथर है। सो इसके क्या वर्क होंगे, देखो जो मैंने वो बाहर वाला जो एंथर निकाला है वो होता है फर्टाइल एंथर। कौन सा एंथर होता है, फर्टाइल एंथर होता है। और जो मैंने नीचे वाले को दिखाया है वो होता है, इसमें लिखा है ना, होता है स्टराइल एंथर। स्टराइल एंथर होता है, कोई सा एंथर होता है स्टराइल। देखो फर्टाइल एंड स्टराइल का मीनिंग आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जो फर्टाइल एंथर होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, गमेट्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन वो स्टराइल एंथर जो होता है वो क्या करता है, कोई भी तरह का गमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करता, वो खुद को अपने आप को स्टराइल रखता है। कैसे रखता है, वो स्टराइल रखता है, किसी भी वर्किंग प्रोसेस में वो काम नहीं करता, किसी भी वर्किंग प्रोसेस में या रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या नहीं करता, काम नहीं करता। सो उसको बोलेंगे हम स्टराइल एंथर। सो एक क्या होती है, स्टिग्मा होती है। क्या होते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। अब देखो क्या होता है, एक बात सुनो, इसका क्या एक एक्सेप्शन है, तो देखो मैं बोलना चाहता हूं आपको, एंथर स्टिग्मा से पहले ही मैच्योर हो जाता है। देखो एंथर स्टिग्मा से पहले ही मैच्योर हो जाता है। क्यों मैच्योर हो जाता है, ऐसे होने से उसका सेल्फ पॉलिनेशन रोका जाता है, ऐसे होने से उसका सेल्फ पॉलिनेशन रोका जाता है। सो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एंथर को मैंने बाहर निकाला है और स्टिग्मा को मैंने पेटल से अंदर रखा है। क्या रखा है, पेटल के अंदर से रखा है। क्यों, क्योंकि अभी तक तो वो क्या है, इनमैच्योर स्टेज में। कैसे स्टेज में है, इनमैच्योर स्टेज में। उससे पहले क्या हो जाता है, जब स्टिग्मा इनमैच्योर स्टेज में होती है तो उससे पहले एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एंथर मैच्योर हो जाता है, वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखो अब क्या होगा, इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, देखो एक इंसेक्ट आता है इसमें बैठता है। देखो हमने
यहाँ पेटल का जो मैंने आपको डिवाइडेशन दिखाया था, जो टू पेटल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, जो टू पेटल्स होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, और थ्री पेटल्स होते हैं जो नीचे की तरफ टू पेटल्स ऊपर की तरफ एंड थ्री पेटल्स नीचे की तरफ होते हैं। सो ये दोनों भी पेटल्स और ये तीनों भी पेटल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? फ्यूज यानी कि चिपक के रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिपक के रहते हैं। सो इसीलिए इसका वर्ड कहा गया है बाइलिप्टे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, बाइलिप्टेट कहा गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाइलिप्टेट का मीनिंग क्या है। ओके, सो अब क्या हुआ, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आया, इंसेक्ट क्या करेगा, नेक्टर को क्या करेगा, नेक्टर को अपने क्या करेगा, सब करेगा। नेक्टर को क्या करेगा, सब करेगा। कैसे सब करेगा, वो क्या करेगा, जो स्टरलाइट एंथर होता है, जो एंथर जो फिलामेंट्स वगैरह होती है ना, इसकी बहुत स्मूथ होती है, बहुत, जैसे थोड़ी सी भी हिल जाए तो वो हिल जाती है, हवा आए तो थोड़ी सी भी हिल जाती है, इतनी थीन होती है। सो अब क्या करता है, इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट आता है, इस पोलन ग्रेन को क्या करता है, वो पुश करता है, नीचे वाला एंथर को क्या करता है, पुश करता है। जैसे जैसे इसको पुश करेगा, सो ऊपर वाला जो एंथर है वो क्या करता है, जैसे जैसे उसको नीचे से पुश करेगा, तो जो ऊपर के एंथर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके बॉडी पर चिपक जाते हैं, इसके इंसेक्ट के बॉडी पर क्या होते हैं, इंसेक्ट के बॉडी पर चिपक जाते हैं। सो अब क्या करेगा, वो नेक्टर चूसेगा, नेक्टर चूसेगा, और नेक्टर जितना उसको चूसना है वो चूसेगा, और बाद में वो किस फ्लावर की तरफ चला जाएगा, दूसरे फ्लावर की तरफ चला जाएगा। अगर मान लो इसके, अब मैं एक ही फ्लावर की बात करता हूँ, अभी देखो इसके, इस इंसेक्ट ने क्या कर दिया, नेक्टर चूसा, जो पोलन ग्रेन्स थे अपने बॉडी पर लेके वो चला गया। सो अब इस फ्लावर का क्या होगा, इस फ्लावर का क्या होगा, इस फ्लावर का क्या होगा, देखो अब क्या होता है, जैसे इसका प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, इसका पोलन ग्रेन का, इसका प्रोडक्शन खत्म हो जाता है पोलन ग्रेन का, सो इसका जो एंथर होता है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, उसका जो पोलन ग्रेन होता है उसको डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका जो स्टिग्मा होता है वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है। क्या हो जाता है, इसका स्टिग्मा होता है वो मैच्योर स्टेज में आ जाता है। अब क्या करेगा, जो उड़ के वो इंसेक्ट लेके गया, वो फिर से अगर दूसरा, दूसरे फ्लावर की तरफ से वो पोलन ग्रेन लेके आता है, वो क्या करेगा, फिर आके यहाँ बैठेगा, उसको हिलाएगा, हिलाएगा, नेक्टर चूसेगा, तो अब उसके जो बॉडी पर जो उसके पोलन ग्रेन थे अब कहाँ पर आएंगे, ए भी कैसे होती है, बहुत थीन होती है, हमारी जो स्टिग्मा भी होती है कैसे होती है, बहुत थीन होती है। सो क्या करेगी, ये स्टिग्मा इसकी बॉडी को टच करेगी, टच करेगी तो कैसे होता है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, क्या होता है, स्टिकी होता है, और पोलन ग्रेन भी कैसे होते हैं, स्टिकी होती है। तो क्या करेगा, जब जैसे जैसे वो हिलाएगा इसको, इसके नीचे नेक्टर चूसेगा, तो उसके जो बॉडी पर जो पोलन ग्रेन है, तो उसके वो किस में आ जाएंगे, अभी वो स्टाइल स्टिग्मा में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, स्टिग्मा में आ जाएंगे। सो इसी तरह का मेकेनिज्म है। उसके बाद उसका क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फ्यूजन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस तरह का मैकेनिज्म ऑफ सालविया है, जो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। समझ में आया? अच्छा हाँ सर, हाँ सर, टॉपिक था, बोर हुआ क्या आपको? नहीं सर, नहीं देखो इस तरह का पॉलिनेशन किस में होता है, इन इंसेक्ट यानी कि एंटोमोफिलिस, जो सालविया में होता है, ऐसा है। बहुत मस्त टॉपिक है। देखो पहले क्या हुआ, इंसेक्ट आया, सबसे पहले तो यहाँ पर एक याद रखने की चीज है, क्या होता है, एंथर सबसे पहले स्टिग्मा से भी सबसे पहले क्या होता है, जो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। सो उसके बाद कौन होती है, स्टिग्मा मैच्योर होती है, क्योंकि एक किसलिए होता है, इस टाइप में जो सालविया के प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन, कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उनको क्या करनी होती है, अपनी स्पेसिस को डिफरेंट 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 जीन्स उनके स्पेसिस में आने चाहिए, सो डिफरेंट कलर के या डिफरेंट क्या बोलेंगे हम, प्लांट को प्रोड्यूस कर सके, प्लांट को प्रोड्यूस कर सके। इसलिए सबसे ज्यादा इन नेचर की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा कौन से
से पॉलिनेशन होते हैं जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वैसे ही, क्योंकि उसके जीन्स और सब क्या हो गए, आइडेंटिकल्स होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे, तो क्या होंगे, वैसे ही स्पेसिस उनकी फॉर्मेशन होगा, स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। सो इन नेचर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन से पॉलिनेशन होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारे पापा है, मदर है, उसमें भी कौन सा कौन सा क्रॉसिंग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं कहते उसको, कौन सा वर्ड कहते हैं सुनाओ मुझे? हाइब्रिडाइजेशन। नो, जब पेरेंट्स एंड पेरेंट्स के जब मीटिंग होता है उसको कॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। इन ह्यूमन बींग की बात की जाए, अगर प्लांट की बात की जाए तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो समझ में आ गया कैसे होता है? हाँ सर। यस, कोई तो अभी क्या हुआ? यस डियर, कोई तो अभी बोला कुछ तो। ओके, सभी को समझ में आ गया? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्स क्रोमोसोम। सो उसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। ओके, सो उसको कल कंटिन्यू करते हैं। बाय एंड टेक केयर। बाय सर।